शैतवानवाजी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है तरक्की का राज। वो फ़र्द ज़्यादा तरक्की करता है जो एक कदम आगे चलता है, उसे अफसर या निज़ाम तरक्की नहीं देते, उसे कुदरत तरक्की देती है। हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारी मेहनतों का मुहाफिज अल्लाह है। हमारा ईमान होना चाहिए कि कुदरत भी हमें ज़रूर नवाजेगी। वो मेहनतें जिसके सिले बंदों से नहीं मिलती, वो मेहनत करता है लेकिन बंदों से सिला नहीं मिलता, उनके सिले अल्लाह ताला ज़रूर देता है। इस बात पर आपका ऐसा ईमान होना चाहिए कि जैसे आपके बदन के वजूद का यकीन है। हज़रत शेख सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कभी मांगो तो कभी मांगो तो कभी अपनी औकात के मुताबिक ना मांगो, बल्कि उसकी शान के मुताबिक मांगो। मुमकिन है कि मेरी औकात बहुत छोटी हो, लेकिन देने वाले की शान मुझे बादशाह बना दे। उसके पास नवाजने के लिए लातदा तरीके हैं और बहाने हैं। तो हमें हमारा ईमान होना चाहिए, तरक्की अल्लाह ताला ही देता है और हमें मेहनत करते रहना चाहिए, और मेहनत करते करते एक दिन अल्लाह ताला ज़रूर हमें नवाजेगा। वो बंदों के ज़रिए हमें कुछ इख्तलाफात होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनका सिला ज़रूर देता है ज़िंदगी के अंदर। तो अपनी मेहनत को छोड़ना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए।